हाय गाइड्स, आज हम आए हैं सेंचुरी रिसॉर्ट्स जो मध्य प्रदेश जबलपुर में है और गुबरा रोड पर। तो इसकी मैं आपको पूरी डिटेल्स देने जा रही हूँ। बहुत ही प्यारा ग्रामीण परिवेश में बना हुआ ये रिसॉर्ट है और आप इसकी ब्यूटी देखिए, आप भी देखकर दंग रह जाएंगे। इतना सुंदर आइडिया आपको ग्रामीण परिवेश का आया कैसे? यहाँ पर हमने एक रिसॉर्ट बनाने का प्लान किया था पहले, तो फिर ये सेंचुरी रिसॉर्ट बनाया जिसमें अभी 25 रूम यहाँ पर हैं और 70 एकड़ एरिया है और यहाँ पर पूरा ग्रामीण परिवेश डेवलप किया हुआ है। वेदांतु कुटी बनाई हुई है और भी और डेवलपमेंट होता जा रहा है। और आइडिया आने का ये था कि हम लोग जाते थे कहीं भी घूमने फिरने तो सब जगह एकदम पाश्चात्य के हिसाब से ही था, ग्रामीण परिवेश के हिसाब से यहाँ पूरा हम गांव डेवलप कर रहे हैं जिसमें आर्टिशंस विलेज जैसे मतलब अलग अलग आर्टिस्टों को यहाँ लेकर के आ रहे हैं जो मिट्टी के बर्तन बनाएंगे, हाथ से कपड़े बनाएंगे, बांस की कारीगरी करेंगे। इस प्रकार के लोगों को भी यहाँ ला करके उनको रोजगार भी मिलेगा और उनके प्रोडक्ट हमारे लिए उपयोगी रहेंगे तो जिनसे सेहत अच्छी रहे और भोजन अच्छा शुद्ध मिल सके। तो यहाँ पे पीछे 70 एकड़ जो जगह है हमारी, वहाँ ऑर्गेनिक खेती हम कर रहे हैं। यहाँ गौशाला है, पूर्ण अमृत गौशाला, जिसमें 100 से अधिक गाय हैं, तो गाय के गोबर और गौमूत्र से ही हम वहाँ जैविक खेती पूरे पीछे 70 एकड़ में कर रहे हैं, जिसमें चना, गेहूं, मटर, सब्जियों की खेती है, पॉली हाउस बना हुआ है, इस प्रकार से सारा यहाँ पे उपलब्ध है। आपने ये जानकारी बहुत अच्छी दी और इसमें सबसे अच्छी चीज ये लगी कि आप यहाँ पे गायों का पालन पोषण कर रहे हैं और गायों के ही जो गोबर रहता है या जो वेस्टेज आपके यहाँ की रहती है उससे आप ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, तो ये तो एक बहुत अच्छी चीज हो गई है। और कुछ डिटेल्स जो आप यहाँ पर्यटकों को देना चाहते हैं तो प्लीज आप ये बताइए। और आपके रिसोर्ट की एक अच्छी चीज कहना चाहिए, वो ये है कि ये प्योर वेजिटेरियन होटल है, तो इसमें आने में किसी प्रकार का कोई हिचक नहीं है, सामने वाले को सोचना नहीं है, यहाँ एकदम शुद्ध खाना मिलेगा आपको हर समय। तो मुझे थोड़ी सी डिटेल और दीजिएगा आप कि आगे इसके लिए क्या सोच और बन रही है। सेंचुरी रिसोर्ट में जो रेस्टोरेंट हमने बनाया हुआ है, यहाँ अधिकतर उत्पाद हमारे यहाँ ही उगाए हुए हैं जिसमें ऑर्गेनिक सारी चीज़ें हैं, सब्जियों का यहीं पे उत्पादन हो रहा है और हम भविष्य में यहाँ पर प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र बना रहे हैं। तो जो यहाँ पूर्ण अमृत आयुर्वेद से संबंधित, प्राकृतिक चिकित्सा संबंधित, पंचकर्म के लिए, तो जो यहाँ पर हैं लोग यहाँ पर आकर के 5 दिन 7 दिन निवास करके और अपना शरीर को डिटॉक्सी करने के लिए पंचकर्म की व्यवस्था, प्राकृतिक चिकित्सा की व्यवस्था, इस सब करने के लिए यहाँ पर भविष्य की योजना है जो आने वाले समय में शीघ्र ही यहाँ प्रारंभ हो जाएगी। दूसरा, यहाँ पे हमने आयुर्वेद से संबंधित औषधि प्लांट्स भी लगाए हुए हैं काफ़ी, तो वो भी यहाँ से आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन होगा। तो इस सब प्रकार से मतलब जो हम जैसे प्राकृतिक वातावरण में पहले रहते थे पाश्चात्य व्यवस्था को छोड़ करके, उसी ढंग से यहाँ परिवेश पूरा डेवलप कर रहे हैं ताकि लोग अपने बच्चों को अपने परिवार से हट आकर के सुकून के पल यहाँ बिता सकें, 2-4 दिन यहाँ स्टे कर सकें और अपने बच्चों को ये प्राकृतिक रूप से खेती का और जो भारत का मूल आधार है उस आधार को यहाँ समझाने की कोशिश का हम लोग कर रहे हैं। संदेश भैया, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, आप भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं, ये जानकर बहुत खुशी हुई। आपका फार्म हाउस, आपकी ये सेंचुरी रिसॉर्ट सुंदरता का एक केंद्र है। मैं ये एड्रेस पूरा आपसे समझना चाहूँगी कि ये कहाँ पर कैसा पड़ेगा और इसके लिए क्या रूट पकड़ना पड़ेगा। सेंचुरी रिसॉर्ट आने के लिए आपको जबलपुर दमोनाका से दीनदयाल चौक होते हुए कटंगी से 10 किलोमीटर आगे है, लगभग 40 किलोमीटर जबलपुर से है और गूगल पे सेंचुरी रिसॉर्ट डालने से यहाँ पूरी जानकारी मिल जाती है। सेंचुरी रिसॉर्ट गुबरा के नाम से यहाँ पर सारा एड्रेस। ये आप बच्चों का प्लेग्राउंड एरिया देखिए, काफी खूबसूरती से सजाया है, बच्चे इसमें काफी बिजी हो गए हैं, पेरेंट्स अपना एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे अपना एंजॉय कर रहे हैं। खुली हवा में आप भी सांस लीजिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए। यदि आप कहीं घूमना चाहते हैं तो आइए जबलपुर के इस रिसॉर्ट में जहां आपको पूरा खुला वातावरण मिलेगा और सारी फैसिलिटीज़ यहां अवेलेबल हैं। वाकई में आज पूरा दिन बहुत अच्छा गया, बहुत मस्ती करी और ये रिसॉर्ट वाकई में देखने लायक बहुत खूबसूरत जगह है।